नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए अपने खिलाफ दर्ज FIR से बेपरवाह केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल गुरुवार को कहा कि वह अपनी टिप्पणियों पर कायम है और पुलिस शिकायतों से डरते नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने कल गुरुवार को बताया कि भारत में सिखों की स्थिति के बारे में अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की उन्हें नंबर 1 आतंकी कहने वाली कथित टिप्पणी के लिए बेंगलुरु में FIR दर्ज की गई है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विदेशी धरती पर देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के आरोप में FIR दर्ज करने की मांग की। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा ने यह कदम केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू तथा भाजपा सांसद अनिल पौंडे के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की पृष्ठभूमि में उठाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह को शिकायत सौंपी। कोलकाता के RG मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन स्थल को छोड़ने का फैसला किया है और साथ ही कुछ हद तक काम पर लौटने की बात की है। जूनियर डॉक्टरों के संगठन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने ऐलान किया है कि शनिवार को CBI ऑफिस तक मार्च करेंगे और ये मांग करेंगे कि जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। फ्रंट के प्रवक्ता डॉक्टर अकीब अशरफ ने मीडिया से कहा कि वो कल प्रदर्शन स्थल को छोड़ देंगे और CGO कॉम्प्लेक्स यानी जहां CBI ऑफिस है वहां तक मार्च करेंगे। ANI से बातचीत में अकीब ने कहा कि आंदोलन को अपने तरीके से आगे ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य सेवाओं को हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ पीड़ितों को इसकी ज़रूरत है। OPD इसमें नहीं है, हम OPD ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और ना ही कोल्ड OT ज्वाइन कर रहे हैं और इसकी वजह ये है कि अभी भी अस्पतालों में सुरक्षा के वो उपाय नहीं किए गए हैं जिसकी वजह से खासतौर पर कोई महिला डॉक्टर सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा करे। अशरफ का कहना है कि उनकी कुछ मांगें मान ली गई हैं लेकिन कई मांगें अभी भी अधूरी हैं। अमेरिकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पर मीडिया की तरफ से पूछे गए सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के हथियार निर्माताओं की तरफ से बेचे गए आर्टिलरी शेल्स यूरोपीय ग्राहकों ने यूक्रेन भेजे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि रूस के विरोध के बावजूद भारत ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अब इसी पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा कि हमने रॉयटर्स की रिपोर्टों को देखा है, यह रिपोर्ट काल्पनिक और गुमराह करने वाली है। रिपोर्ट में भारत की ओर से नियमों के उल्लंघन करने की बात है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि सैन्य और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है। भारत अपना सैन्य निर्यात हथियारों के प्रसार के लिए तय अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने NDA विधायक दल की बैठक के दौरान बड़ा दावा किया था कि पिछली YSRCP सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया। वहीं YSRCP ने नायडू पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए घृणित आरोप लगाने का आरोप लगाया है, जबकि TDP ने अपने दावे के समर्थन में एक लैब रिपोर्ट जारी की। TDP प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने दावा किया कि प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा उपलब्ध कराए गए घी के नमूनों में गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला द्वारा मिलावट की पुष्टि की गई है। अब TDP द्वारा लगाए गए आरोपों पर YSRCP के वरिष्ठ नेता YV सुपर रेड्डी ने कहा कि नायडू के आरोपों से देवता की पवित्र प्रकृति को नुकसान पहुंचा है और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यह कहना भी अकल्पनीय है कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद और भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
पशु चर्बी के इस्तेमाल का आरोप लगाना एक घिनौना प्रयास है। सुपर रेड्डी ने कहा कि मैं वेंकटेश्वर स्वामी में आस्था रखता हूँ और आप यानी नायडू भी उनके भक्त होने का दावा करते हैं, इसलिए आइए देवता के सामने शपथ लें। मैं देवता के सामने शपथ लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने परिवार के साथ आकर शपथ लूँगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि नायडू अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहते हैं और सबूत पेश नहीं करते हैं तो वह कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसके अलावा राज्य की कांग्रेस इकाई की प्रमुख YS शर्मिला ने नायडू के दावे की पुष्टि के लिए CBI जांच की मांग की है। तिरुपति लड्डू विवाद पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह एक अमानवीय कृत्य है और जिसने ऐसा किया है वह गंभीर अपराधी और देशद्रोही है, क्योंकि भगवान तिरुपति के लड्डू प्रसिद्ध हैं। इससे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर ऐसा हुआ है तो यह निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए और आरोपी को दंडित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, लेकिन तभी से इस पर हो रही बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान की संरचना संघीय है, राज्यों के अधिकार अलग हैं और केंद्र के अधिकार अलग हैं, राज्यसभा और लोकसभा अलग अलग हैं। चाहे सरकार के पास बहुमत हो या ना हो, सरकार नहीं हटाई जा सकती। यह लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुभाषी, बहुधर्म, बहुजातीय और अलग अलग संस्कार व संस्कृति वाला है। ऐसे देश में संघीय ढांचे से ही सरकार चलाई जा सकती है। यदि यह वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास भी हो गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं वे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी। क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं होगा? हरिद्वार में प्रशासन ने कल गुरुवार को लक्सर तहसील में एक मस्जिद में किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। लक्सर के तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि इलाके में बनी मस्जिद में खाली पड़े सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे अब हटा दिया गया है। PTI के मुताबिक हिंदू जागरण मंच ने भी मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने पार्टी के मंडल प्रभारियों से कहा है कि अरविंद केजरीवाल की विजयी वापसी सुनिश्चित करें। उन्होंने कल गुरुवार को कहा कि वे भाजपा के साथ लड़ाई के लिए तैयार रहें और सुनिश्चित करें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में विजयी वापसी करें। आपके मंडल प्रभारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए राय ने आगे कहा कि भाजपा को लगता है कि दिल्ली आपके लिए एक प्रयोगशाला है जहां नए आविष्कार किए जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दिल्ली की फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो वह दिन दूर नहीं जब आम आदमी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने कल गुरुवार को त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को ज्ञापन सौंपकर आदिवासी कल्याण मंत्री विकास देव वर्मा के खिलाफ जांच की मांग की और आरोप लगाया कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। साहा ने संवाददाताओं से कहा कि हमने इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत ने मालदीव सरकार की अपील पर एक और साल के लिए $5 करोड़ की आर्थिक मदद दी है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग के बयान के अनुसार मालदीव सरकार के अनुरोध पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी $5 करोड़ के गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को सब्सक्राइब किया है। बयान के मुताबिक इससे पहले मई 2024 में भी इसी तरह से $5 करोड़ के टी बिल्स लिए थे। आपको बता दें कि भारत के सार्वजनिक बैंक की ओर से किए गए सब्सक्रिप्शन मालदीव को इमरजेंसी वित्तीय मदद के लिए किए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि मालदीव भारत का प्रमुख पड़ोसी है और भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत आने वाला प्रमुख साझेदार है। वहीं मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने इस इमरजेंसी वित्तीय मदद की तारीफ करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को संभालने में इस सरकार की नाकामी और इसकी खराब विदेश नीति के बावजूद भारत ने साबित किया है कि वो एक आसमाया हुआ दोस्त और भरोसेमंद साझेदार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।